हम यहाँ पर कुछ पार्ट ए के क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जो इजीली सॉल्व हो जाती हैं। बच्चे पार्ट ए का क्वेश्चन देखते ही बड़ी सी स्टेटमेंट देखते ही डर जाते हैं, लेकिन डरना नहीं है, उनको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। देखो कुछ के लॉजिक मैं आपको बताता हूँ कैसे सोचना है, लाइन वाइज सोचना है। द हाउस इज ऑफ द थ्री सिस्टर लाइज इन द सेम रो। तीन सिस्टर के हाउस है ना, वो एक ही लाइन में है। मान लिया ये तीन घर है, तीन बहनों के हैं, ठीक है। उसने कहा द मिडल सिस्टर डज नॉट लाई इन द मिडल, तो मिडल सिस्टर यहां नहीं रहती, या तो इस कोने पे रहती है या इस कोने पे। मैं मान लेता हूं पहले इस कोने पे रहती है। दूसरी चॉइस क्या माननी पड़ेगी मुझे, फिर तीन घर बनाने पड़ेंगे और मिडल की ये माननी पड़ेगी। अच्छा आगे बोला है इन द मॉर्निंग द शैडो ऑफ द एल्डर सिस्टर्स हाउस फॉल्स ऑन द यंगर सिस्टर हाउस। इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग मॉर्निंग ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, सूर्य देवता ईस्ट से उदय होते हैं। इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग बोला ना उसने, यस सूर्य देवता ईस्ट से उदय होते हैं, ठीक है। कहता है जो परछाई पड़ रही है ना बड़ी बहन की, एल्डेस्ट की, वो सबसे छोटी पर पड़ रही है। तो इसका मतलब है छोटी अगर यहाँ, या तो यहाँ होगी या गेस्ट, एल्डेस्ट इधर होगी चाहिए पड़ेगी। यहाँ पर कहाँ पर होगी, यहाँ यंगेस्ट होगी, यहाँ एल्डेस्ट होगी। अब उसके क्वेश्चन के आंसर देते हैं। कहता है द यंगेस्ट सिस्टर लाइव्स इन द मिडल, यंगेस्ट यहाँ कर रही है यहाँ नहीं, लेकिन वो तो है ना श्योरिटी मांग रहा है स्टेटमेंट की। कहता है श्योर बताओ, श्योर हो या नहीं हो, अगर ये केस हुआ नहीं है कट गया। सेकंड में कहता है द एल्डेस्ट सिस्टर लाइव्स इन द मिडल, एल्डेस्ट यहाँ कर रही है यहाँ नहीं, तो गारंटी मांग रहा है कटेगा। आइदर द यंगेस्ट और द एल्डेस्ट सिस्टर लाइव्स इन द मिडल, मिडल में क्या है, या तो यंगेस्ट है या एल्डेस्ट है, गारंटी है। द यंगेस्ट सिस्टर हाउस लाइज इन द ईस्ट ऑफ द मिडल सिस्टर हाउस, यानी कि जो यंगेस्ट है ना वो मिडल में, मिडल के ईस्ट में है। यहाँ तो ठीक है लेकिन यहाँ नहीं है, वो गारंटी मांग रहा है ना श्योरिटी, तो कटेगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर वन ठीक होगा। अब हम चलते हैं कुछ और क्वेश्चन करते हैं जो दिसंबर 2016 में पूछे गए हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन ये पूछा गया है, ये क्वेश्चन क्या है, ए माइन सप्लाइज 10,000 टन ऑफ कॉपर ओर कंटेनिंग एन एवरेज 1.5% वेट कॉपर। कहता है 10,000 टन कॉपर सप्लाई किया, उसमें 1.5% कॉपर है, डिवाइड बाय 100 आ जाएगा। फिर उसमें से भी जो ये मटेरियल आया उसमें 80% कॉपर है, कुछ मतलब मलबा है वो बाहर निकल जाएगा। तो 80% होने का मतलब क्या है, 80/100, तो ये चार जगह तो बिल्कुल खलास हो जाएगी, यहाँ ख़त्म। 15, 8, 120, 15 + 8, 120 ये आ जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन कट हो जाएंगे। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है वो। अब एक क्वेश्चन पे और चलते हैं आगे, देखिए क्या कह रहा है वो। कहते हैं वीट प्रोडक्शन, जो स्टेटमेंट दे रहा है कह रहा है वीट प्रोडक्शन ऑफ कंट्री ओवर ए नंबर ऑफ ईयर इज शोन, विच ईयर रिकॉर्डेड हाईएस्ट परसेंटेज रिडक्शन। ग्राफ का क्वेश्चन अक्सर आता है पेपर में, कहता है कि साल में जो वीट प्रोडक्शन की रिडक्शन है सबसे ज्यादा नोट की है इन द प्रीवियस ईयर्स। जैसे 2001 में रिडक्शन परसेंटेज कितनी है, यही बोल रहा है ना, विच ईयर रिकॉर्डेड हाईएस्ट परसेंट, परसेंट पूछ रहा है वो। तो देखो कितनी रिड्यूस हुई है, 5 हुई है। रिड्यूस किस पे होती है, बेस ईयर पे, डिवाइड बाय 50 लेना पड़ेगा इनटू 100, तो 10% रिड्यूस हुई है। फिर 2002 में रिडक्शन कितनी हुई है, देखो
2002 में, फिर 5 गिर गई नीचे, बेस कितनी लेनी पड़ेगी 45 बाई 100, 5 जा 9, 1.1%। फिर देखिए 2003 में वीट प्रोडक्शन 3 में, फिर 5 रिड्यूस हुई है, बेस मुझे क्या लेना पड़ेगा, बेस लेना पड़ेगा मुझे 2003 के लिए 40 × 100, 8, दैट इज 4 पे कट हो जाएगा 252, 12.5%। फिर 2004 में देखिए कितनी रिड्यूस हुई है, 35 से 30 पे आ गई, 5 / 35 × 100, दैट इज 700/7, 4.3%। तो उसने हाईएस्ट पूछी है, ये हाईएस्ट है, रिडक्शन हुई है 2004 में हुई है, तो ये आंसर आ जाएगा, बाकी सब कट हो जाएंगे। आगे देखो, उसने एक क्वेश्चन और किया है, उसने किया है कि टाइम डिस्टेंस ग्राफ दे रखा है हमें ए और बी ऑब्जेक्ट में, ये दे रखा है, ए ये है और बी ये है, कहता है एक्सिस है इंटरचेंज कर दिए, यानी कि ये एक्सिस तो क्या कर दिया टाइम वाला, वो डिस्टेंस वाला, कहता ग्राफ की इंफॉर्मेशन क्या होगी, नेचुरल बात है रोटेट कर जाएगा 90 डिग्री से, तो रोटेट करेगा तो ए ऊपर आएगा बी नीचे, बी की लेंथ ज़्यादा है फर्स्ट कट जाएगा, ये तो बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा क्योंकि ग्राफ थोड़ा चेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा, ये क्यों नहीं बनेगा क्योंकि बी की लेंथ स्मॉल है ए की ज़्यादा है, तो ये फोर्थ ऑप्शन है कट हो जाएगा, तो थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। फिर हम करते हैं एक क्वेश्चन और, ए मिल्क मैन एड्स 10 लीटर ऑफ वाटर टू 90 लीटर्स ऑफ मिल्क, यस मिल्क मैन बहुत पानी मिलाते हैं दूध में, तो उसने क्या किया है इस क्वेश्चन में, देखो 10 लीटर पानी मिला दिया, मिल्क की जो क्वांटिटी थी और जो वाटर की क्वांटिटी थी उसने टोटल कितना बना लिया, मिल्क की क्वांटिटी थी 90 लीटर, 10 लीटर पानी मिला दिया 100 लीटर उसने मिला लिया बढ़ा लिया वो टोटल, कहता आफ्टर सेलिंग 1/5 ऑफ द टोटल क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी का उसने 1/5 भाग सेल कर दिया, जब उसने सेल किया ना 1/5 भाग 20 लीटर सेल कर दिया, तो ये भी उसी रेशियो में सेल होंगे, यानी कि कितना होगा, ये हो जाएगा 5/18, ये हो जाएगा 2, तो रिमेनिंग कितना रह गया उसके पास, ये रह जाएगा 72, ये रह जाएगा 8 और ये रह जाएगा 80, दोनों का सम करते हैं ये 80 आता है। फिर उसने क्या किया, ही एडिड वाटर इक्वल टू द क्वांटिटी ही हैज सोल्ड, कहता है जिसने उसने टोटल बेचा ना उतनी क्वांटिटी फिर पानी की मिला दी, अब क्या होगा फाइनली, ये तो मिल्क तो उतना ही रहेगा, पानी बढ़ता जा रहा है, पहले 8 पहले था इतना बेचा था इतना मिला दिया उसने, 8+20 ये हो जाएगा 28। तो उसने जो रेशो पूछा है ना, प्रोपोर्शन पूछा है, ये पूछा है वाटर टू मिल्क, पहले हमें वाटर रखना पड़ेगा फिर हमें मिल्क रखना पड़ेगा, वाटर तो है 28 और वो है 72, देखो दोनों ऑप्शन प्रेजेंट है, तो पहले ध्यान रखना है क्या पूछा है, सेकंड ठीक हो जाएगा बाकी सब कट हो जाएंगे। तो इस तरह के वो क्वेश्चन अक्सर पूछता रहता है। देखो आगे एक और शानदार क्वेश्चन पूछा है, उसने क्या क्वेश्चन किया है, द डायमेंशन ऑफ ए फ्लोर आर 18 × 24, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ आइडेंटिकल स्क्वेयर टाइल्स दैट कैन बी पेव द एंटायर फ्लोर विदाउट द नीड टू ब्रेक एनी टाइल। उसने इसमें ये क्वेश्चन किया है, फ्लोर के डायमेंशन 18/24 है जहां पे टाइल बिछानी, कहते उन टाइलों की है ना संख्या बताओ आइडेंटिकल स्क्वेयर टाइल, वो स्क्वेयर होने चाहिए, स्क्वेयर होगी तो उनका मान लेते हैं साइड कितनी है एक्स है, तो एरिया कितना होएगा एक्स स्क्वेयर, एक का मान ली मैंने एन टाइल है तो एन टाइम एक्स स्क्वेयर हो जाएगा। अब मैंने है ना यहाँ पर वो टाइलों की संख्या निकालनी है,
मैं इसमें ट्रिक खेलता हूँ, मैं टाइलों की संख्या ना निकाल के एक्स निकाल लेता हूँ। उसने कहता है टाइल है ना, ब्रेक नहीं करनी कोई सी भी, साइड है पूरी पूरी होनी चाहिए। तो एक्स स्क्वायर क्या आएगा, 18 by (24)n। मैंने ऑप्शन पहला उठाया, ऑप्शन जब फर्स्ट उठाया ना, एन की वैल्यू 6 दे दी इसको, 18 (24)6, ये कितना आ जाएगा, 18 × 4 आ जाएगा। जब मैं रूट लूँगा ना, √18 × 2, ये 2√3 आ जाए, 3√2 आएगा, (2) फ्रैक्शन में आएगा, टूटेगी टाइल, पूरा पूरा एरिया होगा, लेंथ होगी। नेक्स्ट में देखो, नेक्स्ट के लिए मैं क्या पुट कर दूंगा, ऑप्शन 2 के लिए मैं ना एन की वैल्यू 24 पुट कर देता हूँ इसमें। तो एक्स स्क्वायर कितना आएगा, 18 × 24 by 24, तो एक्स वही आएगा √18, यानी कि 3√2, फिर प्रॉब्लम। नेक्स्ट में क्या होगा, ऑप्शन 3 में, ऑप्शन 3 में होगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 18 × 24 by 8, 18 × 3, फिर वही कहानी है, 3√2 × 3। लास्ट में क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 में, ऑप्शन नंबर 4 में होगा एक्स स्क्वायर 18 × 24 / 12, 36, एक्स आ जाएगा 6। तो कहता है 6 by 6 की टाइल बिछाओ, कैसे, मैं बिछा के दिखाता हूँ। उसकी जो लेंथ है वो तो है 24 लेंथ है, ये 24 है, विड्थ कितनी है, विड्थ है इसकी 18। मैं 6 by 6 की बिछा लेता हूँ, तो 6 by 6 तीन बिछेंगी, यहाँ 6 × 3 = 18, यहाँ कितनी बिछेंगी, 4 लाइनें बिछेंगी ऐसी, 4 लाइनें ये बिछेंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 पूरी। तो थोड़ा सोचना पड़ता है हमें एग्जाम में कि कैसे करने हैं ये। देखिए एक और क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है, टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ पैरेट्स इन द स्पार्स पॉपुलेशन एन इकोलॉजिस्ट कैप्चर 30 पैरेट्स एंड पुट रिंग्स अराउंड देयर नेक्स एंड रिलीज देम। After a week, he captured 40 parrots and find that 8 of them have rings on the necks. What approximate the parrot population? उसने क्या कहा है, शुरू में एक इकोलॉजिस्ट ने 30 parrots को पकड़ा और उनके रिंग डाल दी उनकी नेक में, ठीक है, उनको फिर छोड़ दिया। एक हफ्ता बाद उसने 40 parrots को पकड़ा और 8 पे है ना उसको रिंग मिली, जो निशानी थी वो मिली। कहता है पैरेट की पॉपुलेशन लगभग कितनी है। देखो जब उसने क्या था, 8 पैरेट्स पे रिंग मिली, जब कुल पैरेट कितने हैं, 40 है, एक पैरेट पे रिंग मिलेगी 40 by 8 × 30, पैरेट्स पे रिंग मिलेगी 40 by 8 × 30, तो 150 है, उसने अप्रोक्सीमेट लगा लिया। जैसे कोई गृहिणी है, खाना बनाते वक्त है सिर्फ 2 चावल के दाने देखकर ये अंदाज़ा लगा लेती है, चेक करके कि चावल पके हैं या नहीं पके हैं, इसी तरह से उसने यहाँ अंदाज़ा लगा लिया। जस्ट कोई मैथ यूज नहीं हो रहा, कॉमन सेंस इकाई लग रही है जो छोटी क्लासों में लगाते हैं। 8 पे रिंग है तो कुल है 40, 1 पे है तो 40 / 8, अगर 30 पे डालनी थी गुना 30, तो जस्ट आंसर आ जाएगा हमारा 150, ये कट हो जाएंगे। अब देखो एक और कितना आसान क्वेश्चन आया हुआ है, कहता है द मिड पॉइंट ऑफ द आर्क ऑफ सेमी सर्कल इज कनेक्टेड बाय टू स्ट्रेट लाइन टू द एंड ऑफ द डायमीटर एज शोन फिगर, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द शेडेड एरिया टू द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। देखो रेशियो किसका बताना है, जो रेशियो ऑफ द शेडेड एरिया ऑफ का और टू द ट्राइंगल, टू द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, शेडेड एरिया टू द, यानी कि हमें बताना है एरिया जो शेडेड पार्ट का है
डिवाइड बाय में एरिया जो ट्राइंगल का है उनका रेशियो निकालना है। तो पहले शेडिड पार्ट का निकालते हैं, शेडिड का क्या निकलेगा, एरिया होगा जो शेडिड का वो हो जाएगा सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये हो जाएगा। अब हमें कुछ नहीं पता, हम ना इसकी रेडियस आर मान लेते हैं, ये भी आर है तो ये आर है तो ये भी आर है, नेचुरल बात है आर ही होगी। तो अगर है ना, और हमें ये नॉलेज है कि जो यहाँ पर है ना 90 का एंगल बनता है, 90 डिग्री का, ये सेमी सर्कल है, उसने जो इन्फॉर्मेशन दी है ना द मिड पॉइंट ऑफ द आर्क, जो ये है ना आर्क का मिड पॉइंट है, अगर ये आर्क का मिड पॉइंट है तो दोनों ये लेंथ इक्वल होंगी, अगर इक्वल होंगी इसको एक्स मान लो इसको एक्स मान लो, पाइथागोरस लगा दो भाई, जो एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर हो जाएगी ना 2r का स्क्वेयर हो जाएगी, क्योंकि टोटल 2r है, यानी कि 2x स्क्वेयर इक्वल टू 4r स्क्वेयर, तो x आ जाएगी रूट 2r, ये आ जाएगी। जो सेमी सर्कल का एरिया है ना वो पाई आर स्क्वेयर है, उसका हाफ है, और जो ट्राइंगल का एरिया होता है ना हाफ बेस इंटू हाइट होता है, x इंटू x हो जाएगा, x की वैल्यू पुट कर दो 1 बाय 2 पाई आर स्क्वेयर 1 बाय 2, एक्स स्क्वेयर कितना हो गया, एक्स स्क्वेयर की जगह हो जाएगा भाई 2r स्क्वेयर कैंसल, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आर स्क्वेयर कॉमन, ये हो जाएगा हाफ पाई माइनस 1 आर स्क्वेयर, ठीक है ना, यही आएगा ना। अब जो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आएगा, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल आएगा वो आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 बाय 2 बेस इंटू हाइट एक्स स्क्वेयर 1 बाय 2, एक्स स्क्वेयर की वैल्यू कितनी है, यहाँ से एक्स स्क्वेयर की वैल्यू है भाई 2r स्क्वेयर के इक्वल, 2 से 2 कैंसिल r स्क्वेयर, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल है r स्क्वेयर, एरिया सेडिड रीजन का था 1 बाय 2 पाई माइनस 1 इंटू में आर स्क्वेयर, इसका है आर स्क्वेयर कट, तो रेशियो आएगा हाफ पाई माइनस 1, तो फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा, बाकी सारे कट हो जाएंगे। तो आपने देखा जो सी एस आई आर नेट, चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो चाहे मैथमेटिक्स हो, सब में पार्ट ए के क्वेश्चन आते हैं, चाहे आप फिजिक्स देखो केमिस्ट्री देखो मैथ्स देखो, क्योंकि जो पार्ट ए है ना वो कॉमन है, इसमें मैथमेटिक्स आता है, लॉजिकल रीजनिंग आती है, लॉजिकल रीजनिंग, ये इतनी टफ नहीं है, चाहे सबनेट फिजिक्स का हो चाहे केमिस्ट्री का हो चाहे मैथ्स का हो, अगर केवल प्रीवियस पेपर को अच्छे से सॉल्व कर लेता है, मेरी गारंटी है उसको एग्ज़ाम में कम से कम 6 से लेके 8 क्वेश्चन उन्हीं लॉजिक पर बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। तो पार्ट ए को बिल्कुल मत छोड़ो, इसको करो, प्रीवियस पेपर्स पे दिमाग लगाओ, अगर आप प्रीवियस पेपर पे दिमाग लगा लेते हो तो डेफिनेटली आपके क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएंगे, क्योंकि वो कोई ज़्यादा हाई फाई मैथ्स नहीं देता, वो बिल्कुल कॉमन सेंस के क्वेश्चन देता है, ईजी क्वेश्चन देता है। आप मेरी वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें, मैं CSIR नेट GRF से रिलेटेड और भी आपको वीडियो प्रोवाइड करवाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।